ट्रॉली बॉय पे सुबह जा रहा हूँ, ट्रॉली पुश कर रहा हूँ सुपरमार्केट, उसी सुपरमार्केट में जो साफ किया करता था, वहां पे ट्रॉली बॉय की जॉब करने लग गया हूँ, और शाम को जा रहा हूँ कार वॉश पे। क्योंकि जब मैं सुनता था शायरी, 50-50, 60-60 मिनट के मुशायरों की रिकॉर्डिंग चाहिए यूट्यूब पर, पर वो मैं एक बारी में नहीं सुनता था। मेरे को रियलाइज हुआ कि इसको छोटा करो। और आज की ऑडियंस क्या सुनती है? बॉलीवुड सुनती है। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा सबसे, जब मैंने आपकी प्रोफाइल पहली बार देखी तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो था, जो सबसे ये था कि मुझे इसमें नजर गई, वो थी ओल्ड स्कूल बास्टर्ड पे। वो इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ माय एंटायर लाइफ अभी तक के जितने भी रही है। सो बिकॉज जब घर में पैदा हुए तो हम लोग, आई कम फ्रॉम रोहतक। अच्छा। और रोहतक में मैं जाट फैमिली से आता हूँ, हमारी एक ज्वाइंट फैमिली होती है। तो ज्वाइंट फैमिली में चाचा भी वहीं हैं, ताऊ भी वहीं हैं, पापा भी वहीं हैं, दादी दादा सब साथ में रह रहे हैं, सारे बच्चे वहीं हैं। तो दादी अक्सर बच्चों को ना बिठा के, अब दादी उस जमाने में कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत यंग शादियां हो जाती थी, राइट? तो जब दादी की शादी हुई तो हम सारे, शी वॉज वेरी यंग, तो जब हम पैदा हुए, जब हमारी पीढ़ी आई, तो हम लोगों को सारे बच्चों को ऐसे सामने बिठाया करती थी और वो कहानी सुनाया करती थी। और दादी हमारी लाहौर साइड से थे, तो वो सारी कहानी सुनाया करती थी। और वो फिर उस तरीके से जो वो कहानियां सुनाया करती थी, तो बचपन हमारा उनके वक्त की कहानियों में गुजरा। तो जब हम बड़े हुए, पैदा होते गए, तो हमारे जो जिसे कहते हैं ना, जिस तरीके से हमें कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली दादी ने मोल्ड कर दिया, वो एक बहुत पुराने जमाने की तरह किया, और वो ओल्ड स्कूल हुआ, ठीक है? और जो बास्टर्ड है, इसके पीछे देयर इज अ, यही देयर आर टू थॉट्स बिहाइंड इट। द फर्स्ट थॉट इज रिलेटेड टू द स्टोरी, सो बिकॉज दादी कम्स फ्रॉम लाहौर से, और हमारा घर भी पहले पाक पतन करके पाकिस्तान में एक लाहौर से कुछ 100 किलोमीटर नीचे की साइड में एक जगह है, तो वहां पे हमारा घर होता था। बहुत बड़ी हवेली होती थी, बहुत बड़े जमींदार होते थे दादा उस टाइम पे, तो वी लॉस्ट एवरीथिंग टू पार्टीशन। सो व्हेन वी केम हियर, उसके बाद जब दादी कहानी सुनाया करती थी, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान साइड से आई है, दादा भी पाकिस्तान में रहे हुए, तो जब वो पाकिस्तान के बारे में जब बातें करते थे ना, तो वो ऐसा नहीं लगता था कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री हुज आर एनिमी, और जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। वो एक इस तरीके से बात करते थे जैसे हमारा घर ही है, घर ही है। तो फिर वो धीरे धीरे चल के ना, मेरे को फिर आया, ये एक शो आया गेम ऑफ थ्रोन्स आया, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आया जॉन स्नो आया, तो लोगों ने कहा कि ही इज अ बास्टर्ड, बास्टर्ड, बास्टर्ड। हमारे लिए पहले बास्टर्ड गाली होती है, फिर हमें पता चला कि बास्टर्ड वो भी होता है, इट्स लाइक अ इललेजिटिमेट चाइल्ड। इललेजिटिमेट, सो आई कंसीडर्ड मायसेल्फ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। ब्यूटीफुल, ओके, कि मैं आई एम द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, क्योंकि मैं पाकिस्तान को उस तरीके से देख नहीं पाता। पापा डिफेंस में, बिल्कुल, पर मैं उस तरीके से देख नहीं पाता, तो वो एक बास्टर्ड वहां से आया। और अब पापा डिफेंस में, तो अगर कुछ गलती कर दो तो ब्लडी और बास्टर्ड उनकी जबान पे रहता था, बिल्कुल। तो हर बात पे यू ब्लडी, यू बास्टर्ड, तो वो ओल्ड स्कूल और बास्टर्ड का कॉम्बिनेशन ऐसे आया। मेक सेंस। हर पोएट्री का ना एक थॉट प्रोसेस होता है, राइट? तो क्या ये ऐसा है कि आपके किस्से कहानी दादी से आई, वहीं से निकल गया है? हाँ हाँ हाँ, मेरा जो जिसे कहते हैं ना कि अगर आज भी मैं जो शो कर रहा हूँ इंडिया में, मोहब्बत जिंदाबाद के नाम से, इट्स अ स्टोरी टेलिंग शो। अब स्टोरी में तरह तरह के इमोशंस होते हैं, इंसान हंसाएगा भी, इंसान आपको रुलाएगा भी, इंसान आपको थोड़ा रोमांस भी देगा, हर चीज का इमोशन देगा। और मैं कहता हूँ कि मेरी दादी वॉज द अल्टीमेट स्टोरी टेलर। वो ऐसे घुमाती थी कहानी, और उनका हमेशा से ये होता था कि बताओ बच्चों इस कहानी से क्या सीखा, क्या सीखा? और उनकी बेस्ट चीज ये होती थी कि जब भी हम अपना परसेप्शन उस कहानी का देते थे, वो कभी नहीं कहती थी कि ये गलत है या फिर ऐसा है या फिर ऐसे हो सकता है। तो वो हमेशा ये बात कहती थी कि परसेप्शन कभी गलत नहीं होती, इट इज सब्जेक्टिव। तो वो जब सारी चीजें चली, तो वो दादी का एक इतना बड़ा मेंटल फुटप्रिंट रह गया दिमाग में कि भाई हाँ, दादी ने ये सब कुछ सिखाया है। तो जब हम लिखते थे ना, तो दादी जिस तरीके से कहानी सुनाती थी, जिस तरीके से बात करती थी, तो मैं भी उसी तरीके से सबकॉन्शियसली बात करता हूँ। लाइक हर चीज का वो पहले समझाती थी। अब अ जोक इज नॉट फनी अनलेस यू नो द बैकड्रॉप ऑफ, बिल्कुल। तो बैकड्रॉप बताना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको पहले सवाल में आपको बताया कि पाकिस्तान से था, वो सारा बैकड्रॉप वो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में चलता रहता, सब दादी की वजह से है, मेरा इसमें कुछ नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ, यू नो, 10% ऑफ व्हाट शी वाज। लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी, कैसे शुरू हुई, कैसे यहाँ तक पहुंच गई। हम जाट थे तो रोहतक में थे, तो अब हमारा क्या होता है ना, जब जॉइंट परिवार में पैदा होते हैं ना, और इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आई वुड स्टिल से इट दैट फेमिनिज्म इज स्टिल नॉट देयर, ठीक है?
हमारे घर की औरतें आर स्टिल स्ट्रगलिंग भी नहीं कहूंगा मैं, दे डोंट नो व्हाट देयर राइट्स आर. बहुत दूर की बात होगी, बहुत दूर की बात होगी वो तो. आई एम टॉकिंग अबाउट माय मॉम और वो सब. माय मॉम हैज गॉट 4 degrees, डबल बैचलर्स डबल मास्टर्स. एंड उनसे बेचारी से कोई पूछे कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है, तो वो जब हाउसवाइफ बोलती है ना तो उनका दिल तो टूटता होगा, मेरा टूटता है. बिकॉज नाउ आई एम एजुकेटेड बट स्टिल नॉट एजुकेटेड एज माई मॉम. तो वो सारी चीजें जब धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे तो हम लोगों को अपब्रिंगिंग में भी कुछ चीजें नहीं सिखाई सिखाई. तो हम जब आगे बढ़ते गए धीरे धीरे धीरे, तो जब पहले तो डिफेंस बैकग्राउंड में थे पापा, तो पापा के साथ घूमते थे. और डिफेंस बैकग्राउंड में क्या होता है ना, जब आप एक बीएसएफ कैंपस में आप रह रहे हो, उस चार दीवारी के अंदर आपकी एक अलग दुनिया होती, दुनिया होती है. उस दीवार के जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना तो दुनिया अलग है, आप अंदर आओगे तो अलग दुनिया. तो हमारी दुनिया वो थी चार दीवारी के अंदर. जब पापा का बीएसएफ कैंपस से कहीं बाहर दिल्ली में ट्रांसफर हुआ तो हम रोहतक रहने लगे फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज स्टेइंग इन अ सिविल एनवायरमेंट. जब मैं सिविल एनवायरमेंट में आया तो मेरे को पता ही नहीं था रिएक्ट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है. फौजी एनवायरमेंट में हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी को गाली दे दें, बिकॉज वो अपने फादर को बताएगा, उसके फादर मेरे फादर को बताएंगे और फिर वो मेरे को मार देंगे. तो इतना भी नहीं होता. बाहर जाके देखा तो हर जगह गाली चल रही है और वी वर टेकिंग कल्चर शॉक ही लग गया हमें अपने ही देश में. सो व्हेन वी स्टेप्ड आउट तो धीरे धीरे करके मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई विच टुक मी बाय शॉक. पर फौजी बैकग्राउंड में रहते रहते एक चीज सीख ली थी, अडैप्ट करना. बिकॉज हर चार साल में हर तीन साल में आपकी जगह बदल रही है, दोस्त बदल रहे हैं, आप अडैप्ट कर सकते हो. तो मैं धीरे धीरे करके अडैप्ट करने लग गया चीजों में. तो लाइफ आई थिंक मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, बहुत सिखाया है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. बट आई थिंक सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली ना वॉज वेन आई वॉज थ्रोन इन टू दी अननोन बाई लाइफ, कि भाई यहाँ जाओ अब सीख और तू अपने हिसाब से सीख. बहुत गलतियां करी, बहुत सीखा, पर ऐसे ऐसे भी चीजें हुई जिनका मतलब प्रोसेस करना ही मुश्किल हो गया था कि इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करें. जैसे कि सो एक होता है लॉस. सो व्हेन आई लॉस माय ग्रैंडमदर एंड माय ग्रैंडमदर, आई वाज मोर अटैच्ड टू माय ग्रैंडमदर देन आई वाज टू माय मदर. अच्छा. तो मैं इतना क्लोज था. मेरा नाम देने वाली मेरी दादी है, मेरे को बड़ा करने वाली मेरी दादी है. तो व्हेन आई लॉस्ट हर, दैट वाज द फर्स्ट लॉस इन माय लाइफ. और फर्स्ट लॉस भी ऐसे इंसान का जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो वो प्रोसेस करना नहीं है. तो आई वेंट वाइल्ड, आई वेंट रोग इन माय हाउस. मैं रूड हो गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर, मैं अपने मॉम डैड से बात नहीं कर. फिर धीरे धीरे लाइफ ने और शॉक्स मारे. फिर पता चला कि मॉम डैड ही ने तो हैं जिन्होंने तुझे संभाला था उस टाइम पर, तो फिर उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी. तो ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ही सीखा हूँ मैं. और वो मेरा मानना है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख एक जिंदगी दे सकती है. वो आप, मैं आपकी जिंदगी से सीख लूँ या आप मेरी जिंदगी से सीख लूँ, वो मुझे यही लगता है कि जिंदगी ही सिखाएगी आपको. देयर इज नथिंग दैट विल बी लेफ्ट अनलर्नड बाय द टाइम यू स्टेप इनटू योर ग्रेव. ये तो बात हुई हम आपके ना बचपन से लेके उसने कहानी. फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं. हाँ, मैं 3 साल इंजीनियरिंग में गया. पहले तो इंजीनियरिंग मैंने पास करी कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज़ माय फादर वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, आई डिडंट वांट टू बी. तो और मेरा पैकेज लगा एक मल्टीनेशनल में गुड़गांव में, बहुत सॉलिड पैकेज लगा, मतलब मेरे बैच का मेरा हाईएस्ट पैकेज था. एंड माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी एक्साइटेड, नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर. बट वो पैकेज लगता है ना जब हाईएस्ट इन कॉलेज, तो आपको लगता है कि हाँ जिंदगी में कुछ किया है हमने, अब लाइफ मतलब हम डूड हैं. तो हम गए उधर जा रहे हैं कॉर्पोरेट में. अब जब आप कॉर्पोरेट में पहले दिन जाते हैं एंड यू थिंक भाई मेरा तो हाईएस्ट पैकेज है, आई एम द डूड ऑफ द हाउस, फिर आपको पता चलता है कि वहाँ और डूड बैठे हैं. और फिर वह आप ऐसे हो जाते हैं भीगी बिल्ली के जैसे. फिर आप धीरे वो दे पुट यू डाउन टू योर लेवल, राइट. तो फिर आप धीरे धीरे करके आप आगे जा रहे हो सीखते जा रहे हो काम. एक साल गुजर गया, अब एक साल से आप वही काम कर रहे हो जो हर रोज कर रहे हो. अब वो सारी एक्साइटमेंट, वो पैकेज, सब धरा का धरा रह गया, राइट. फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि यार वो तो बाइक पे घूमने जा रहा है, मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे मैं एंटीना ठीक कर रहा हूँ. तो वही वाली चीजें हो रही हैं. एंड देन यू आर लाइक नहीं यार जस्ट लेट इट गो, कुछ नहीं होता. देन 2 दिन के बाद फिर वही थॉट आ रहा है. तो फिर इवेंचुअली आपको पता चल रहा है कि आपका मैनेजर आपको बहुत परेशान कर रहा है. और एक दिन आपका बस फ्यूज उड़ जाता है, आप मैनेजर को बोलते हैं कि मैं नहीं आ रहा कल से. इसलिए नहीं क्योंकि यू हैव मेड अप योर माइंड, इसलिए बिकॉज यू आर अ स्टूपिड पर्सन. मैं बहुत स्टूपिड था उस वक्त जब मैंने उसको ये बात बोली कि मैं कल से नहीं आऊँ, क्योंकि मैंने प्रोज एंड कॉन्स तो एनालाइज ही नहीं करे, बस ईगो में जाके बोल के आ गया.
अगले दिन से नहीं गया ऑफिस, जब एक हफ्ता घर में खाली बैठा तो पापा पूछ रहे हैं क्या हो गया, ऑफिस क्यों नहीं जा रहा। मैं बोला छुट्टी ले रखी है, क्योंकि पापा को बता नहीं सकते हैं कि ऐसा काम करके आ गया हूँ। एंड ऐसे वैसे भी नहीं, मैं मतलब एक होता है ना कि यू हाँ ठीक है मैं कल से नहीं आऊंगा, नहीं, आई लिटरली शोड हिम अ मिडिल फिंगर एंड लेफ्ट। इतना मेरे अंदर गुस्सा आ गया था कि मैं नहीं करूंगा। एंड देन व्हेन आई, फिर मेरे को दिमाग में आया कि हाँ चलो बाइक पे घूमते हैं, क्योंकि वो घूमता था बाइक पे मेरा एक फ्रेंड, तो मैं बाइक पे घूमना स्टार्ट किया। फिर उसमें मजा आने लग गया। और फिर इंस्टाग्राम पे एक दिन सनसेट की फोटो डाली, उस फोटो पे इतने लाइक्स आए जितने मेरी फोटो पे नहीं आते थे। मैं बोला ये तो अच्छी चीज है। उस टाइम पे एनालाइज नहीं किया, पर आज जब मैं सोचता हूँ ना कि उस फोटो पे इतने लाइक्स क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि उस फोटो पे अगर आप लाइक्स देखोगे ना, वो सारे मेरे ऑफिस वालों के थे। अच्छा। क्योंकि उनको सनसेट देखे हुए 3 साल हो गए, होता तो रोज है उनके आसपास पर देखा नहीं है इतना टाइम से, क्योंकि सारा टाइम मॉनिटर में लगे हुए। मतलब वो एक प्ले लिख रहा था, तो उसमें मैंने लिखा था कि अगर ऐसे ऐसे बंदा कोई मॉनिटर पे एक्ट कर रहा है कि मैं कंप्यूटर पे टाइप कर रहा हूँ, अगर मैं सेम फ्रेम में से सिर्फ कंप्यूटर हटा दूँ तो वो इंसान कैसा लगेगा। मतलब मुझे वो नहीं बनना है। तो फिर मैं घूमा, आई ट्रैवल इंडिया फॉर 3.5 ईयर्स, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज दादी के जाने के बाद होने लग गया था। मतलब एक्सट्रीम्स हो गया था, इधर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी और आई एम एक्सट्रीमली, मैं सैड भी नहीं कहूँगा, पता नहीं, वो आई वॉज एक्सट्रीमली एम्प्टी आई वुड से वो हुआ। फिर देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो दिमाग में एक घमंड था कि मैं बहुत बड़ा, मेरा सैलरी पैकेज था, मैं 3 साल इंडिया घूमा हूँ, मेरे फादर फौज में ऑफिसर हैं, तो मेरी तो नौकरी आराम से लग जाएगी। वहाँ पे जाके वो गुरूर टूटा और पता चला कि ये एंटाइटलमेंट होती है। कितनी सी हस्ती थी मेरी, ऐसे किसी ने फूंक मारी और मैं उड़ गया, वो वाला हिसाब हो गया। फिर पहली जॉब आई, मैं क्लीनर की जॉब करने लगा इन ए सुपर मार्केट, जैसे अपने यहाँ पे बिग बाजार होता है उसका मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, इतना बड़ा। और मेरे को रात को 1 बजे जाना होता था और सुबह 8 बजे से पहले वो पूरा साफ करना होता। एक बंदा, ऐसा भी नहीं कि 4 बंदे लगे हुए, एक बंदा पूरा साफ करता था। तो मैं उस पूरे को साफ करता था 7 डेज अ वीक, मेरी छुट्टी नहीं होती थी, मैंने बुखार में मैंने काम किया। पर जब आपके एंटाइटलमेंट टूटती है ना, आप इतने ताकतवर हो जाते हो ना, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आप ये कहते हो कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जब एंटाइटलमेंट टूटी, क्लीनर का काम किया मैंने 4-5 महीने। फिर मेरे को एक बेटर ऑफर आया, बोलते हैं आप कार वॉश पे आ जाओ। तो मैं कार वॉश पे गया। अब क्योंकि मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट 6'3", गाड़ी झुक के साफ करनी है तो कमर शाम तक आते आते ऐसा हो जाता था कि सीधा भी खड़ा होता था तो ऐसा लगता था कमर टेढ़ी ही है। तो एक दिन घर जा रहा था, बहुत थक गया था, बस आने में 10 मिनट थे। मैंने बोला कि 10 मिनट है, अब एंटाइटलमेंट जा चुकी है, किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। तो मैं बोला मैं फुटपाथ पे ही लेट जाता हूँ 10 मिनट के लिए। मेरी आँख 1.5 घंटे बाद खुली, मैं इतना थक चुका था, अंधेरा हो चुका है। मैं बस में बैठा, घर आया, शार चलाई, मैं उल्टा लेट गया शार के नीचे, कमर पे पानी गिरा। शुरू के 5-6 दिन उस दौर से काटे जब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, फिर उसकी आदत होने लगी। फिर मेरे को लगा कि हाँ ये मैनेज कर सकता हूँ, एक और जॉब ले लेता हूँ साथ में। फिर ट्रॉली बॉय की जॉब ले ली, तो अब कार वॉश ट्रॉली बॉय पर सुबह जा रहा हूँ, ट्रॉली पुश कर रहा हूँ सुपर मार्केट, उसी सुपर मार्केट में जो साफ किया करता था, वहाँ पर ट्रॉली बॉय की जॉब करने लग गया हूँ, और शाम को जा रहा हूँ कार वॉश पे। फिर उससे बेटर जॉब मिली, वो भी क्लीनर की मिली, एक गवर्नमेंट ऑफिस में मिली। अब गवर्नमेंट ऑफिस में मिली, वहाँ पे 5-6 महीने काम किया, वहाँ पे सब लोगों से बन गई। वहाँ पे क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर पे काम होता था और मेरा बैकग्राउंड था, तो एक दिन उनका सर्वर डाउन हुआ, तो सर्वर डाउन हुआ तो अब मैं आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, मुझे आता है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो सर्वर अप कर दिया, लाइक यू नो दिस, मैंने बोला आई एम दिस एंड दैट, उसने उन लोगों को बताया, तो उन लोगों से कॉन्टैक्ट बिल्ड हो गया, एक वो इनफॉर्मल वो होता है ना रिलेशनशिप बन गया उन सब उन लोगों के साथ। तो फिर एक दिन जब मैंने घर की बहुत याद आ रही थी, 2.5 साल से ऑलमोस्ट घर नहीं आया था, तो मैंने बोला कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो मेरी मैनेजर मेरे पास आई कि आई डोंट वांट यू टू गो। और मैं ऐसे था कि मतलब व्हाई डज शी नॉट वांट मी टू गो, मतलब इनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देन शी वाज लाइक कि नहीं आप इंटरव्यू दे दो। जब आप इंटरव्यू दोगे तो वो इंटरव्यू देता गया, सारी चीज़ों में मेरे क्लियर हो गया। अब उसी ऑफिस में अब गवर्नमेंट ऑफिसर लग गया हूँ, एंड आई वॉज दी ओनली लाइसेंसिंग ऑफिसर ऑन अ टेम्पररी वीजा इन दी एंटायरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। माई गॉड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीनर टू बिकमिंग अ लाइसेंसिंग ऑफिसर, वो मेरी जर्नी रही। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड क्योंकि दिमाग में से वो एंटाइटलमेंट हटा दी कि आप मैं ये डिजर्व करता हूँ। मैं कुछ डिजर्व नहीं करता, कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मेरे को कमाना है हर चीज़। तो वो हुआ और फिर वो छोड़ दिया 1.5 साल बाद, क्योंकि इंडिया आना था, मन कर रहा था, तो वो छोड़ के आगे फिर शोज करने लग गया। तो दैट हैज बीन द जर्नी। मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो देखा था जिसमें यू आर टॉकिंग अबाउट
कि मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, आप कितना मानते हो लाइफ में वही घटता जो आप चाहते हो? पहले बिल्कुल नहीं मानता था, पहले जाट हूं तो बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस होते थे, मैंने बोला बेवकूफ होते हैं ऐसे लोग जो ये मानते हैं, पर जब आपके साथ जिंदगी घटती है ना तो आप चीजों में मानने लग जाते हो। मैं बहुत मानता हूँ कि आप मैनिफेस्ट करते हो चीजें। उस दिन शायद वो जो वीडियो की आप बात कर रहे हो, उस वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि उस वीडियो में मैंने, मेरे को याद भी है मैंने क्या बात की है, मैंने ये कहा कि एक दिन 2-2.5 साल बाद इसी वीडियो को देखूंगा और मेरे चेहरे पर स्माइल होगी। बिल्कुल यही कहा। और 2-2.5 साल बाद एग्जैक्टली उस वीडियो को देखा और मेरे चेहरे पर स्माइल आई और मैंने वो वीडियो पोस्ट करी, तब आपने वो वीडियो देखी। और वो 100% मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, नो इट्स अ प्रोसेस। आपने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, अगर आप दिल से चाहते हो ना कि ऐसा हो तो आप दिल से उस चीज पर काम करने लग जाओगे सबकॉन्शियसली। अब फिर आप वो चीज कर जाओगे। सिर्फ सोचने से कि हाँ ऐसा हो जाए, अगर होता तो दुनिया खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हर इंसान के पास वो होता जो वो चाहता है। और कोई इंसान ये भी चाहता होगा कि आप ना रहे, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हाँ, तो अगर इंसान जहाँ से शुरू किया था और वहाँ सोचेगा ये एक दिन मैंने पाना है, उसे पा लिया, तो क्या सक्सेस की डेफिनेशन वो है? सक्सेस की डेफिनेशन मेरे को लगता है कि बहुत सब्जेक्टिव होती है। अब आज की डेट में है कि इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा वो कहते हैं नदीदा होता है कि मतलब हाँ ये चीज़ मुझे नहीं मिली और ये चीज़ मुझे चाहिए, जब उसे वो चीज़ मिल जाती है ना वो उसकी सक्सेस हो जाती है। वो कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मर से पूछोगे बोले कि मेरे को इतने सारे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है, वो मेरी सक्सेस होगी। किसी और इंसान से पूछोगे कि आई वॉन्ट अ फैमिली, यार जिस दिन मेरे पास फैमिली हो जाएगी वो मेरी सक्सेस होगी। किसी गरीब से पूछोगे कि वो दिन में 700 रुपये कमाना चाहता है, उसको जब 700 रुपये मिल जाएंगे तो वो बोलेगा वो मेरी सक्सेस होगी। तो सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मेरे लिए सक्सेस अगर पर्सनली आप पूछोगे तो मैं हमेशा से टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में परफॉर्म करना चाहता था, बिकॉज मेरे फादर ने पहला प्ले वहाँ देखा था 1988 में। 2023 में मैंने वहाँ पे परफॉर्म कर दिया, मेरी सक्सेस हो चुकी है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल है। मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है टैगोर कर लिया, अब एक काम करते हैं रॉयल ओपरा में करते हैं। वो कुछ नहीं, रॉयल ओपरा के बाद भी कुछ होगा जो आपको अभी नहीं दिख रहा, पर आप रॉयल ओपरा पहुंचोगे तो आपको दिखेगा कि यार इससे बड़ा ये भी है, ये भी कर लेते हैं। यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, यू शुड नो वेयर द ट्रू प्लेजर ऑफ लाइफ लाइज, एंड द परसूट ऑफ दैट ट्रू प्लेजर इन लाइफ इज सक्सेस, इज व्हाट आई बिलीव। मोहब्बत जिंदाबाद आपका शो है, ये क्या है? मतलब मोहब्बत जिंदाबाद कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि जिंदगी सबसे बढ़िया सी किसी की जिंदगी दे सकती है। मोहब्बत जिंदाबाद मेरी जिंदगी की कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है। मोहब्बत जिंदाबाद आजकल क्या है ना, मोहब्बत के बारे में हम लोग द मोमेंट समबडी सेज कि हाँ मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो लड़का लड़की का एंगल आ जाता है। पर मैं अपने शो में ये प्रूव करता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ वही नहीं है, मोहब्बत आपको अपने पेरेंट्स से भी है, मोहब्बत आपको अपने भाई से भी है, मोहब्बत आपको अपनी दादी से भी है, मोहब्बत आपको अपने दोस्त से भी है, और मोहब्बत आपको लड़की से भी है। तो वो सारी मोहब्बतें कितनी जरूरी हैं एक इंसान को खड्डे में से निकाल के खड़ा करने में। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जो भी मैंने किया वो सिर्फ मेरी लाइफ में एक लड़की आई तो उस वजह से हुआ, नहीं, उसमें मेरे मॉम डैड का भी हाथ है, उसमें मेरी दादी का भी हाथ है, उसमें एक दोस्त का, एक भाई का भी हाथ है। तो वो सारी चीज़ें जो मोहब्बत जो उनकी है ना, तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज लव स्टोरीज दैट आई हैव इंडिविजुअली विद दीज पीपल, एंड दे हैव, मतलब वो कहीं ना कहीं उस मोहब्बत ने मेरे को मोल्ड किया है, उसका इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर, और वो फिर धीरे 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 करके वो सारी कल्मिनेट करके मोहब्बत जिंदाबाद वो एक शो है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे और उसकी मोहब्बत आपको जिंदा और आबाद दोनों रखती है। ब्यूटीफुल। तो वो है मोहब्बत जिंदाबाद का कॉन्सेप्ट। आप आएंगे शो में तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी किस तरीके से जाती है, ट्रैवल करती है 15 साल। मैंने एक और वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे वेयर यू आर शोइंग योर मॉम एंड डैड कि भाई क्या चल रहा है थिएटर में और ये मेरी सक्सेस है जो मैंने अचीव कर ली है। कैसा लग, मतलब फैमिली का तो मुझे रिएक्शन दिखा, आपका क्या है, मतलब अंदर से क्या लगा, मतलब अंदर से एक आवाज़ आई, क्या वो आवाज़ थी यार ये हुआ है? मैंने उस वीडियो के लिए 16 साल वेट किया है, और जब वो मोमेंट हुआ था ना लाइफ में, मैं चाहता था कि ऐसा हो कभी, मतलब एक ऑडिटोरियम भरा हो, मैं अपनी परफॉर्मेंस खत्म करूं और परफॉर्मेंस लोगों को इतनी पसंद आए कि लोग खड़े हो जाएं अपनी सीटों से। वो हुआ, और वो जब हुआ ना तो वो इतना सरियल हो गया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब मैं वो वीडियो लेके घर आया ना तो
पूरे रास्ते, ये पुणे में हुआ था वो वीडियो, जो जिस वीडियो की आप बात करें दैट वॉज इन पुणे। तो जब वो पुणे से मैं गुड़गांव आ रहा था, पूरे रास्ते ये चल रहा था कि मैं मॉम डैड को दिखाऊंगा। वो मैंने फ़ोन से स्पेशली एयर ड्रॉप किया आईपैड पे ताकि स्क्रीन बड़ी हो, मॉम डैड देखें, बड़ी स्क्रीन में देखें ताकि उनको समझ आए कि क्या करना, बिकॉज माई मॉम डैड हैव नो क्लू। जैसे मैंने बताया कि रोहतक जाट ऑर्थोडॉक्स स्टेज शोज प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो समझना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें हैं कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं कल को उनको जाकर बोलूँ कि मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उनको पॉडकास्ट ही समझ में आएगा क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो वो जब मैंने उनको दिखाया, माय फादर ओनली सेड वन थिंग, वन वर्ड, एंड ही सेड एक्सीलेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सीलेंट इन योर लाइफ ऑफ माय लाइफ कमिंग फ्रॉम माय फादर। आई वुड से दैट वाज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दैट माय फादर हैज गिवन मी, एंड फास्ट फॉरवर्ड 2 वीक्स ही सेड आई एम प्राउड ऑफ यू। सो मेरी लाइफ सक्सेस आप पूछ रहे थे, बोथ ब्यूटीफुल। माय फादर हैड टियरी आई आंख में देखा, आई सॉ दैट वीडियो, मेरा हो गया था उस दिन। मैंने बोला जिंदगी में जो अचीव करना है ना कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं, हो गया। जैसे आपने बताया अब आपको, आपने दादी को खोया, लॉस था, क्या डेफिनेशन है आपके लॉस की, मतलब लॉस ये है लाइफ में लॉस? किसी को पैसों से होता है, किसी को लॉस का ट्रू मीनिंग क्या होता है? आंसू होता है, मेरा मानना है कि आंसू होता है। होता है ना कि हर चीज़ की नींव किसी ना किसी लॉस पर रखी होती है। वो वाली बात है कि कहीं पढ़ा था मैंने, बहुत बढ़िया लगा था, मेरे दिल को छू गई थी ये बात कि इस ख्वाब को हकीकत करने के लिए मैंने जितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं की अगर कीमत होती तो मेरा तकिया आज करोड़ों का होता। ब्यूटीफुल। तो वो जो दादी को खोया, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में खोया, तो उसके बाद जो दर्द हुआ ना, हम लोग इट्स अ फेटल फ्लॉ हमर्शिया, हम सबका, हर इंसान का होता है कि जब कोई चीज़ साथ होती है ना ग्रांटेड ले लेता है, और जब वो चली जाती है तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बिना तो जिंदगी काटना मुश्किल हो रहा है, अब क्या करें, बट नाउ इट्स टू लेट। सो फिर देन यू गो इन टू द प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट यू शुड हैव डन बिफोर, एंड लॉस एनी थिंग दैट स्टैब्स योर हार्ट ना इज अ लॉस फॉर मी। एनी थिंग that brings pain, anything also something that makes you think about correcting yourself is also loss, kyunki aap usko loss nahi manenge jab tak aap ye nahi sochte ki ha main aise kar sakta tha। agar aap ye kahenge ki ha maine sab kiya par ye ho gaya, then it's his or her loss, wo uska ho gaya। aapka loss tab hoga jab aap kahoge ki yaar main ये नहीं ये कर सकता था। तो वो जब आपको अपने अंदर कमी दिख जाती है ना, वो लॉस होता है। और मेरे को बहुत दिखी है अपने अंदर कमी, और उन्हीं कमियों को सुधारता है इंसान फिर बाद में, तो लॉस का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आज रिलेशनशिप की बात करते हैं, बहुत सारे मैंने आज के लिखा लोग, वैसे आज किसे प्यार हुआ बोलता, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, कल वो चली गई फिर दूसरी आई मोहब्बत हो गई, मतलब क्या होता है मोहब्बत का असली मतलब क्या होता है? वो एक वो कहते हैं ना, अभी कल ही शो हुआ था तो किसी ने मेरे को एक नैपकिन पे लिख के दिया कि अगले नए साल की शुरुआत किसी नई के साथ। मैंने बोला तू मेरा शो देख के आया और तू ये बात कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? सही बात। मोहब्बत इज, देखो मैंने एक ना बहुत ऐसे क्राउड वर्क के टाइम में, मतलब जो आप लोगों से बात कर रहे होते, तो एक मेरे मुँह से बात निकली थी, मैंने बोला प्यार इश्क मोहब्बत तीनों एक चीज़ें, तीनों मेरे नाम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। प्यार इश्क मोहब्बत, जब आप बात करते हो ना कि मोहब्बत क्या होती है, मुझे लगता है एक प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है, पजेसिव नहीं, प्रोटेक्टिव, कि आप बस उस इंसान का ख्याल रखना चाहते हैं, वो इंसान के साथ हो या ना हो पर आप उस इंसान का ख्याल रखना चाहते हैं, पर आप उन बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो वो है। और ख्याल आप अपनी माँ का भी रखते हैं, ख्याल आप अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी वाइफ की, सबका रखता है, ख्याल आप अपने दोस्त का भी रखता है। मेरे हिसाब से वो ख्याल, ख्याल रखने का ख्याल मोहब्बत है मेरे हिसाब से। पा लेना किसी को
और फिर किसी को खो देना उससे, तो फिर मोहब्बत की आप एक वो बना रहे हो ना, उस पर बाउंडेशन लगा दे रहे हो कि अगर मैं पाऊंगा तो मोहब्बत होगी, खो दिया तो मैंने मोहब्बत तो जा चला गया इंसान। मेरे हिसाब से मोहब्बत यही है कि मैं बस उस इंसान, जो भी इंसान है मेरी लाइफ में, उसको वो खुश रहे मेरे होने से, मैं उसके लिए कोई जंजीर ना बन जाऊँ कि हाँ मैं मुझे जकड़ा हुआ फील हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वो मोहब्बत है। और फिर तो गुलजार साहब ने लिखा है कि काश मोहब्बत भी होती कोई लिबास, रोज तन पे नया पहन लेते, समथिंग लाइक दैट ऑन दोज लाइन। तो आजकल जो हो रहा है, आई एम नोबडी टू जज, बट आई प्रेफर द फीलिंग ऑफ ओल्ड स्कूल लव। जैसे ये ना मेरे को भी बहुत लगता है, मतलब आपने बताया ना कि जैसे आप एक कम्युनिटी से हैं और औरतों को ना वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, है ना। मतलब आपने बताया आपकी मदर इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी कहीं ना वो है कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अब फैमिली मेरे को ही बढ़ानी है, बच्चों को ही मैंने देखना है। अगर आपको कोई चांस मिलता तो आप क्या चेंज करते इनके लिए? अभी हाल ही की बात बताता हूँ, मेरा ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, शायद 10 दिन पुरानी होगी ये बात। सो आजकल व्हाट्सएप चल रहा है ना, तो माय मॉम इज़ नॉट सो व्हाट्सएप फ्रेंडली। अच्छा, हाँ हाँ। सो उनको लगता है कि व्हाट्सएप पे हर चीज़ जो आती है वो सही होती है। सही होती है, हाँ बिल्कुल। और उसे लगता है कि हर कोई जो मैसेज भेज रहा है वो उन्हीं से बात कर रहा है। सो एक दिन उनको हमारे जो जहाँ पे हम दिल्ली में पहले रहते थे, उन पड़ोसी हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि दे हैव फाउंड दिस न्यू बिजनेस वेंचर एंड इट वाज लाइक अ एडवर्टाइजिंग मैसेज जो आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरी मॉम को लगा कि उन्हें पर्सनली भेजा है एंड उन्होंने वो मैसेज पढ़ा एंड देन शी इज लाइक मेरे को भी इस बिजनेस में हिस्सा लेना है। When I saw that message and now I am exposed to the world, मेरे को पता था कि ये स्कैम है, उनको नहीं पता था कि ये स्कैम है, पर उनके दिमाग में अब तक ख्याल पल चुके हैं कि ये बिजनेस करो, क्योंकि उस मैसेज में लिखा हुआ है ये बिजनेस करने से इनकम ऐसे फैलती जाएगी, यू विल बी सेल्फ रिलायंट। और वो उसमें ना बड़ा प्यारा सा वो फेमिनिज्म का टच दिया हुआ था कि इफ यू आर अ हाउसवाइफ यू कैन अर्न मनी, और वो जो हाउसवाइफ एंड यू कैन अर्न मनी वाली बात है ना, वो मेरी मम्मी को टच कर गई, पर्सनल हिट कर गया। Then she is like कि मेरे को करना है। तो when she told my father was like ये तो scam है, तेरे को नहीं पता, ऐसे लूट लेंगे। Then his reaction was वो फौजी जाट और very strong reaction। और my mom, जिसे कहते हैं ना कि माँ का दिल, अब कैसे बताएं माँ का दिल, कोई शब्द नहीं होते बताने के लिए, कि वो बहुत नाजुक सा होता है, कि वो मतलब मोमबत्ती ऐसे कि धूप में भी लेके चल लो ना तो पिघल जाएगी, ऐसी होती है वो, आग नहीं लगेगी उसमें, वो पिघल जाएगा वो। तो मेरे पास आई और वो मेरे को आगे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया है और ये है। मैं बोला देखो मम्मी है तो स्कैम, पर एक काम करो, अपने दिल की संतुष्टि के लिए कर लो प्रोसेस चालू। तो मम्मी इंटरव्यू में बैठे, जूम चलाना नहीं आता है तो मैंने चला लिया, पीछे ब्लर बैकग्राउंड लगा दिया और मैं बैठ गया पीछे। मेरा दिल कहाँ टूटा, वो उससे पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और मेरी माँ है ना ऐसे देख मेरी तरफ, उसे क्या बताया। और जब मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ना, एक तो ऐसे बैठी हुई थी और उन्होंने जब ऐसे करके देखा ना, और जब मेरी आंख से उनकी आंख मिली, उनको नहीं पता मेरे अंदर क्या हुआ है, मैं टूट के जमीन पर बिखर गया उस दिन। मेरी सारी हयाती राख हो गई कि मेरी माँ ये नहीं बता पा रही है कि मैं जिंदगी में कर क्या रही। वो बोलती मेरा नाम संतोष है, और उसके बाद पॉज, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज ये इतने सालों से घर साफ कर रही है, हर रोज सुबह 5 बजे उठ के, टाइम है फिक्स्ड है कि सुबह उठ के 5 बजे घर साफ करेगी, उसके बाद घर के काम करेगी। काम करते करते इनको 35 साल हो गए हैं, पर आज इनसे किसी ने एक बहुत मामूली सा सवाल पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये बता नहीं पाई। और मैं उस दिन ऐसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि टूट जाना किसी इंसान का, कि मैंने परिवार के लिए किया क्या, तो व्हाट एम आई नॉट समथिंग, कि मेरी माँ कुछ बता नहीं पा रही है, मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, आर दिस नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम ये था, पापा नौकरी नहीं कर पाते अगर माँ घर नहीं संभालती, अगर पापा को कह दिया जाता ना कि एक काम करो आप रोटी बना के ऑफिस जाना, नहीं हो पाता। उसने बनाया है, उसने पापा को बनाया, उसने मुझे बनाया, आज जो घर है जो पापा के रिटायरमेंट में और मेरे पैसे मिला के जो घर बनाया है, वो भी इसलिए बनाया क्योंकि पापा वैसे कमा पाए क्योंकि मम्मी काम कर रही थी।
और उस दिन थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा, तो उस दिन जब उसका पहला राउंड हुआ ना इंटरव्यू का, मेरे को पता तो था ही स्कैम कर रहा है, वो सामने बैठा है स्कैम कर रहा है। मैंने मम्मी को बोला कि आगे के राउंड भी दो, वो पूरा करता रहा। आखिरी राउंड में बोलता है कि 210,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसके बाद ना मम्मी थोड़ी सी ऐसे हो गई कि नहीं दे पाऊंगी, तो वो मेरे पास आई, बोलती ये तो स्कैम ही था। मैं बोला हाँ स्कैम तो था। मैं बोला क्या कह दियो, करना है? बोलती नहीं नहीं स्कैम है ये तो। मैंने बोला देखो अगर करने का मन, मैं 210,000 रुपये अभी दे दूंगा, आप कर लो मन की संतुष्टि के लिए, कहीं मन में वो ख्याल ना है बाद में कि काश कर ले, नहीं तो वो तुमको ज्यादा परेशान करेगा। तो बोलती नहीं 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 स्कैम था। वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता कि मम्मी को मैं ना बोलूं कि ये स्कैम है, मम्मी को खुद रियलाइज करने दो कि ये स्कैम है, क्योंकि अगर मैं बोलता ना तो मम्मी के दिमाग में वो काश रह जाता कि कहीं वो शायद स्कैम ना होता और शायद वो सच में जॉब अपॉर्चुनिटी थी, शायद मैं सच में हाउसवाइफ होकर पैसे कमा लेती, और तरीके हैं और एवेन्यूज हैं, पर वो मम्मी के दिमाग में वो शायद नहीं छोड़ रहा। तो मेरे को लगता है कि आज की डेट में ये डिफरेंट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं आप, क्योंकि जब ऑर्थोडॉक्स फैमिली से औरतें आती हैं ना, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जानते हो कितना ज़रूरी होता है, ये हमारे घर की औरतें नहीं जानती, तो उनको बस आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में पुश कर सकते हो। पता बाद में तो हो गया, मैं आपका अपना नेक्स्ट सवाल ही भूल गया। बहुत रिलेट कर पाया मैं इस बात को। मम्मी के साथ वही है, मम्मी एक वो है मेरी, जिसे कहते हैं ना नाउ शी हैज बिकम माय बेबी, क्योंकि अब मैं कमाने लग गया हूँ ना, मेरे अभी एक छोटी सी चीज़ करी है मैंने, अगर मैं मान लो 2,000 रुपये मैंने कैश निकाले, उसमें मेरे 1,200 खर्चे हो गए, मेरे वॉलेट में 800 पड़े, मैं घर जाऊँगा वॉलेट खोलूँगा 800 बचे ना ये ले मम्मी, कभी 200 बचे कभी 150 बचे ये ले मम्मी, ये ले मम्मी। और मम्मी इतनी स्वीट है ना, तो उन्होंने अपना एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है, उसमें वो पैसे डालती रहती है। और मैंने बोला क्या करना है इसका, बोलता है ये तो मैं अपनी बहू को सोना खरीद के दूंगी। दैट्स हाउ मॉम्स आर। आप सेल्फलेस लव किसे मानते हो? माँ का, उससे सेल्फलेस कुछ हो नहीं सकता। सेल्फलेस लव आई थिंक आपके परिवार से ज्यादा। आई एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग, समटाइम्स दिस ऑल्सो गोज रॉन्ग, बट फॉर मी इन माई लाइफ पर्सनली आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे मॉम डैड ने जितना मेरे लिए कर दिया एंड द काइंड ऑफ चाइल्ड दैट आई वॉज, आई थिंक अगर मेरी मेरे जैसी औलाद होती मैं घर से निकाल देता कैसा वाला हिसाब। पर मेरे मॉम डैड ने इतना ऑस्ट्रेलिया जाना मेरा, उनका उस डिसीजन को सपोर्ट करना, थ्रू आउट उस जर्नी में रहना डिस्पाइट मी बींग द अनग्रेटफुल चाइल्ड दैट आई वॉज, आई थिंक दैट इज वॉट selfless love is all about, and there is no better definition to it. मतलब मैं कुछ भी कह दूँ, selfless love is just faith that the other person has in you. और उसको आप, अब आप faith कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जब आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको racist comment किया है ना, तो क्या टूटा आपके अंदर से? गुरूर। और वो ऐसा टूटा, उस दिन मेरे को लगा, अभी क्या है ना हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, आप और मैं एक जैसे दिखते हैं, किसी से मिल लो सब यहाँ पे एवरीबडी लुक्स लाइक अस, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ गाय हु इज ऑफ अफ्रीकन डिसेंट वॉक्स अमंगस्ट अस, एंड कहते हैं ये बाहर से आए, एंड समटाइम्स वी आर रूड ऑल्सो, देर आर सर्टेन नेम्स दैट वी कॉल देम विच वी शुडंट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू स्टेप इनटू अ कंट्री where they look the same and you look different, and that's when you realize how wrong that was. और जब वो खुद पे आगे बढ़ती है, उस दिन आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल हो जाता है कई बारी as an outsider survive करना, तो उन लोगों की struggle की importance पता चलती है। जब मेरे ऊपर racist remark हुआ पहली बार, मैं घर आके रोया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, I want to go back this and that, पर हमेशा वो भी रहा कि no you have to fight it. You have to fight. You cannot just give up and leave. तो उस दिन मेरा गुरूर टूटा, ज़मीन पे आके गिरा, पर जिंदगी है वही सिखाती है, खुद ही सीखना पड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गिविंग इट बैक। और उस दिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो ये आते हैं ना रेसिस्ट रिमार्क जो आप पे करते हैं, ये बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, इनको समझ नहीं होती, ये सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैंने इस पर रेसिस्ट रिमार्क किया, ये आगे से कुछ नहीं बोलेगा, ये हमसे दबता है। द मोमेंट यू गिव इट बैक, उनके पास कम बैक नहीं होता, देर इज नो सेकेंड लाइन टू इट।
दे कैन नॉट इवन रेज देयर वॉइस. और ये हर बार हुआ है मेरे पास, 5-6 बार रेसिस रिमार्क हुए, 2-3 बार मेरे को नहीं आया था टैकल करना. जब मैंने 3 बार या 4 बार जब कम बैक दिया है ना उनको, व्हेन आई हैव गिवन इट बैक टू देम, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट के मुझे जवाब देते. एंड इवन व्हेन आई वाज नॉट फिजिकली अग्रेसिव, इट वाज जस्ट मी सेइंग समथिंग वेरी यू नो नॉनशैलेंट मैनर में मैंने उसको बोल दिया. बहुत कमजोर होता है इनका, इट इज देयर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन यू, क्योंकि वो अपनी कंट्री में रह के कुछ नहीं कर पाए और हम आके उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं. जैसे आप भी मेंटल हेल्थ से गुजरे हो, आज के डेट में मेंटल हेल्थ से बहुत लोग गुजरे होते हैं, लोग बात ही नहीं करते इस बारे में. होता क्या एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ में, होता क्या ऐसा? सो आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, और डिप्रेशन में ना कोई ऐसा एक स्ट्रिक्ट इमोशन नहीं होता. कि उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि अब तू तू नहीं, एक अदाकार है जो निभा रहा है किरदार अपना ही. ये मैंने लाइन लिखी थी और उसका मतलब ये था कि आप खुश भी नहीं हैं, आप सैड भी नहीं हैं, आप एक खाली कमरे में जिसमें कोई नहीं है, कोई भी छोड़ो कुछ भी नहीं है, खाली काला कमरा. आप उसमें लाइट डालोगे वो लाइट भी गायब हो जाएगी, अब वो कुछ दिख नहीं रहा है. मेरे को वैसा फील हो रहा था. और क्या होता है ना, ऐसा नहीं था कि कभी किसी से बात करने की ट्राई नहीं करी, करी. पर जो इंसान मेंटल हेल्थ को समझता नहीं आज की डेट, वो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देता. क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आप शेयर करने जाते हो ना, व्हेन यू आर फीलिंग ऑल ऑफ दैट, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाला बंदा आपको कुछ ऐसी बात बोले जो आप सुनना चाहते हो. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है, पर वो बात ऐसी कह देता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप शेयर करना बंद करते हो, आप उस पर वो दरवाज़ा बंद कर देते हो. जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो और लड़कों का तो होता ही है, मतलब एंड मतलब इट्स अ मेल स्टिग्मा नहीं कहूँगा, मैंने पर्सनली फील किया है कि मैं, मेरा दोस्त, मेरा बहुत खास दोस्त भी मुझसे बात करने आता था ना, तो मेरे से नहीं होती थी. बिकॉज एज मेल्स वी आर ऑलवेज टोल्ड कि नहीं भाई, मेल एकदम स्ट्रांग और सॉलिड आदमी होता है, वो नहीं बिखर सकता. पर हम बिखरे पड़े हैं, और अब हम बिखर गए हैं तो हमें, वी आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स, समेट नहीं आ रहा है हमें. और दोस्त है सामने, वो आप उसको कैसे बोलो कि मैं बिखर गया हूँ, क्योंकि उसके सामने भी आपको पता है कि आपको स्ट्रांग रहना है, कि आप बिखर नहीं सकते. और दो मेल्स के बीच में कभी वो इमोशनल लेवल की बात होती नहीं है, और अगर तब होती है तो दोनों रोते हैं. क्योंकि ही इज गोइंग थ्रू द सेम शिट दैट यू आर गोइंग थ्रू, तो फिर वो दोनों का एक साथ फटता है. तो मेरे को जब डिप्रेशन हुआ, आई वेंट एंड सॉट अ थेरेपिस्ट, ही गेव मी मेडिकेशंस. और जब उसने मेडिकेशंस दी, उसने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि मेरे को पता होगा इन मेडिकेशंस के बारे में. मेरे को नहीं पता था कि मेडिकेशंस क्या होती हैं, किस लिए होती हैं, इनका रिएक्शन क्या होगा बॉडी पे, किस तरीके से. तो मैंने सिर्फ ले ली, एंड वो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा इतने लेवल तक नीचे गिरा हुआ है कि लोगों को पता ही नहीं है दवाइयाँ किस चीज़ के लिए होती हैं. वो तो कोई भी दवाई ले आओ, रिश्तेदार आगे कहेंगे नींद की गोली है, नींद की गोली है. अरे नींद की गोली इसलिए खा रहा है वो क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है, उसका हिज माइंड इज नॉट एट ईज. तो ये तक का जो, जिसे कहते हैं ना कि बेसिक लेवल की, कोर लेवल की जो नॉलेज होती है, वो तक नहीं है. वो आपको समझना पड़ेगा. एंड वो इतनी बड़ा, इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना उस चीज़ का, जो इस चीज़ को नहीं समझ पाया, कि आपको समझाने में भी सालों लग जाएंगे. तो द बेस्ट पार्ट इज, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, टॉक टू योर नियर एंड डियर वंस ऑफ योर एज ग्रुप. अपने एज ग्रुप का इंसान पकड़ो, मोस्ट प्रोबेबली अगर मॉम डैड समझते हैं, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती. एक सेकंड में तो हम निकाल देंगे बाहर, नहीं तो लगे रहेंगे निकालने, नहीं तो अपने एज ग्रुप वाले बंदों से बात करो. एंड आई थिंक एक जो लड़का होता है ना, जब किसी लड़के के सामने खुलता है ना, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट और एनीथिंग, टूट जाता है एक लड़का जब किसी लड़के के सामने खुलता है ना, तो टूट जाता है. और अगर वो टूटा हुआ जिसके सामने खुला है वो उसका सच्चा दोस्त है ना, वो समेटेगा उसे, वो आएगी उसके अंदर. क्योंकि मेरे को समेटा मेरे दोस्त. हर बच्चा ना जब कुछ काम कर निकलता है ना, तो बोलता है जब मैं दौलत पालूंगा ना, तब सब कुछ सही हो जाएगा. कुछ सही नहीं होता. एक वो बात होती है कि कितनी भी शोहरत पालो, कितनी भी दौलत पालो, अगर सोने से पहले आखिरी ख्याल जो है वो तन्हाई का है, तो क्या फायदा. मतलब माँ बाप बूढ़े हो रहे ना, जब उनके आंखों के पास एक झुर्री दिखाई देती है ना, नई जो आई है, खत्म हो जाता है इंसान.
लगा लो कितने पैसे लगाओगे, रोक सकते हो नहीं ना, वो जो 14-15 साल when you were ungrateful, क्या उस साल को आप पीछे जाके रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो माँ बाप को दर्द दिया है वो आप रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते। जो लाइफ में गलतियाँ करी हैं पैसे से, क्या रिवर्स हो जाती है? नहीं हो सकती है। अब वही रहता है आगे। मेरे को नहीं मानता कि मैं नहीं मानता बिल्कुल भी कि वो बात होती ना, अगर दौलत से सब सही हो जाता तो अमीर लोग क्यों मरते? तो वो दौलत से कुछ सही नहीं होता है, दौलत से काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, पर वो जो चीजें आसान होती हैं उसमें जॉय नहीं है। जॉय वो चीज नहीं है जो पैसे से आसान हो जाएगी, वो सहारे, दोस्त और रिश्तों से आसान होती है। सबसे बड़ी हार होती है वो जीत, जो रिश्ते हार कर जीती जाए, उसमें आपकी दौलत भी हो सकती है। आप कितनी भी दौलत कमा लो, अगर आपकी लाइफ में रिश्ता नहीं है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर इतनी दौलत भर जाएगी, आपको बांटने जाओगे तो आपको बांटने को कोई नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। किससे बांटें, किसको बोलें, वो आपको रिश्ते ही दे सकता है। कोई ऐसी लाइन जो आपको ना हमेशा ऐसी स्ट्राइक करती रहती है, पोएट्री में ऐसी लाइन जो हमेशा स्ट्राइक करती रहती हो? ऐसी बहुत सारी हैं। मेरी फेवरेट जो है वो एक मेरी फेवरेट कविता जो है, मैं आज तक नहीं बताया, मेरे को पूछा है काफी लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ। वो है गुलजार साहब की डायरी, बहुत आजाद नज़म, बहुत खुला लिखा है, और वो इस तरीके से लिखा है, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की डायरी मिलती है और वो उस डायरी को पढ़ रहा है। तो गुलजार साहब बेसिकली उस डायरी को पढ़ रहे हैं और उन्होंने उसी तरीके से उसको लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक सफ़े पे जिक्र है, सफ़ा मतलब पन्ना, कि एक पन्ने पे वो जिक्र करता है इस बात का कि वो बेसिकली जो उनको डायरी मिली है वो एक वर्कर की है जो एक मिल में काम करता है, और उस डायरी में वो चीज़ें लिखता है जो वो अपनी बीवी से कहना चाहता है, जो बीवी गांव में रहती है। तो वो लिखता है कि एक सफ़े पे यूं लिखा है कि वो नाक की नथ ना बेचना तुम, कि वो नाक की नथ ना बेचना तुम, वो झूठा मोती है, मतलब वो मोती झूठा है, मतलब असली नहीं है। कहता है एक सफ़े पे यूं लिखा है कि वो नाक की नथ ना बेचना तुम, वो झूठा मोती है, सुनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी क्योंकि तुमसे सच्चा कहा था मैंने। और ये जब मैंने लाइन सुनी थी मेरा दिल ऐसा खुल के बाहर आ गया था। मैं बोला यार ये जो झूठ है ना, ये हमने भी बोला है अपनी जिंदगी में। किसी ने कहा कभी किसी डेट पे गए, यार आज के जमाने की बात हुई क्योंकि मेरे साथ हुआ, तो किसी ने पूछा कि अच्छा तुम तो शोज करते हो तो कितना कमा लेते हो, तो वो तुमने 20 का 40 बताया 40 का 80 बताया, तो वो मैंने भी किया। तो वो सुनार के पास झूठा मोती है, सुनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट जिसे कहते हैं। और राहत इंदौरी साहब है जिसे मैं कहूंगा मेरी लाइफ का पसंदीदा शेर, जिस शेर ने मेरी जिंदगी बदल दी, वो ये था कि शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे, तो उसने मेरी लाइफ बदल दी उस शेर। आई फाउंड दिस शेर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इसको पढ़ता था मैं रोज सुबह उठ के, दैट बिकेम अ मोटो ऑफ माय लाइफ। क्या होता है ना, जब आदमी कुछ नहीं होता अब तो फिर भी साथ मिल जाता है, दो चार लोग साथ घूम लेते हैं, जब आदमी कुछ बनता है ना तो कैसे बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, लौट के आते हैं कि ये तो मेरा है। हाँ, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ होता है, अब भी होता है। रोहतक मेरा होम टाउन है पर मैं वहाँ शो नहीं कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे रिश्तेदार आएंगे। दुख होता ना कभी ऐसा भी? बहुत ज़्यादा। अगर यही लोग सपोर्ट कर देते ना तो कुछ बन जाते, तो जो कहानी अब शुरू हुई है ना, जब बहुत पहले शुरू, बहुत पहले शुरू हो जाती, आपको रेबेल नहीं बनना पड़ता। क्योंकि जब बच्चा रेबेल बनता है ना, आप सोचो ये कितना टॉक्सिक सा प्रोसेस है। आप इस बात को समझने का ट्राई करना कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद बोला कि मैं स्टेज शोज करना चाहता हूँ, तो रिश्तेदारों ने बोला इसका दिमाग खराब है, ये पागल हो चुका है, ये गलत बातें कर रहा है, गलत संगत में है तुम्हारा लड़का। उसके बाद ठीक है, मैं नौकरी में फंस गया। अब मैं उदास रहा, मैं नौकरी करता रहा। इतने साल नौकरी करने के बाद जब मैंने कहा कि मैं स्टेज शो करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे रेबेल होके कर रहे हैं मैंने स्टेज शो कि मैं आई डोंट केयर कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं स्टेज शोज करूंगा। अरे ये तो खराब हो गया, अरे ये तो घर से हाथ से निकल गया लड़का, ये हो गया। अब स्टेज शोज करे, स्टेज शोज अच्छे जाने लगे, हमें तो पहले से ही पता था ये कुछ अच्छा करेगा नहीं। ये कुछ अलग करेगा। अब वो वही लोग आ गए। अब यही चीज अगर तब हुई होती तो बेसिकली ये जो मैंने 5 साल बीच में खराब कर दिए वो चीज करते हुए जो मैं नहीं करना चाहता, इन 5 सालों में मैं कितना सीख जाता।
तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, समझता नहीं है कोई कि अगर आप सपोर्ट कर सकते ना, आपका आपका सिर्फ इतना कह देना कि हाँ करके देख ले, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये तो है ही, वही बहुत सपोर्ट कर जाएगा, जज मत करो ना। आज जो मैं कामयाब हूँ वो तुम्हारी उस नाकामयाबी का नतीजा हूँ जो तुमने उस समय मुझे नाकामयाब साबित करने की कोशिश की। हाँ, वो हाँ, लाइन है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल से वो नरेट करता है बंदा, बहुत ब्यूटीफुल नरेट करता है। एक आज कह देना उनसे कि मैं तुम्हारी नाकामियों का वो ऐसे भी बोलता है, भूल रहा हूँ उस लाइन। हाँ, वो समझ गया मैं किस तरीके से, मैं समझ गया क्रक्स क्या है। इसके एंड पे ही थी वो बात जो आपने कही, वो एक एक मैंने लिखी थी अपने रिश्तेदारों के लिए लिखी थी और वो मतलब उसको उसको लिखा था कि मैं जिस मिट्टी का बनाऊं वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, कि मैं जिस मिट्टी का बनाऊं वो मिट्टी इतनी भी सस्ती नहीं, जो टूट कर बिखर जाए ऐसी मेरी भी हस्ती नहीं, कि मैं जमीन पर बैठा हूं तो मुझे बैठा रहने दे, अगर उठ गया तो तेरे आसमान की ऊंचाई इतनी भी ऊंची नहीं। ब्यूटीफुल लिखा था, बहुत गुरूर में आके एक दिन लिखा था, मेरा पहला शो हुआ था और उस दिन मैंने लिखा था कि आई हैव डन समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू। अब ये पूछते हैं कि लाइफ में ना एक जर्नी में किसी को नहीं पता किसका नंबर कब आएगा, किसी को नहीं पता, तो पेशेंस क्या रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर इतने सालों में ये नहीं, इस बात का पेशेंस नहीं होता कि स्टेज शो करना है, अगर उस चीज पे गिव अप कर दिया होता तो आज नहीं होता। क्योंकि जब सोचा था और जब किया है उसके बीच में 11 साल का फासला है, तो 11 साल इस चीज पे अड़े रहे हैं कि ये करना है, ये करना है। पेशेंस बहुत जरूरी होता है, एक वो होता है पेशेंस से ज्यादा जरूरी होता है कि अपने आप की कोई हैसियत मत बनाओ पहले। वो कहते हैं ना कि पीपल हु चूज देयर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विल फेल, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ले लो, चूज मत करो, give your best in your first opportunity itself. तो patience बहुत जरूरी होता है। अब आपको नहीं पता कि first opportunity कब आए, अब वो अब आपने जो रास्ता देखा ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आप इस रास्ते पे चले ही नहीं हो, तो आपको कैसे पता कि वो रास्ता कहाँ से शुरू होता है? तो क्या पता जो आपके पास आया है वही आपकी मंजिल का शुरुआत ही, जो कहते हैं पहली सीढ़ी वही है। तो मेरा वही था कि मैंने बहुत साल वेट किया अपने फर्स्ट स्टेप आने के लिए, और जब वो फर्स्ट स्टेप आया ना, देन आई गेव इट माई 100% और मैं फेल हुआ, मैं फेल हुआ उसमें, पर लेकिन उसी कॉन्टेक्ट से एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी आई, और जब मैंने उसके आने में एक साल का डिफरेंस लगा, पर वो आई, और वो थी स्टार प्लस पे सारे गामा पा, लता मंगेशकर जी का शो था, रिमेम्बरेंस शो, और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप शो की आवाज बने। वो एक साल बाद आई, वो मैंने दिया, हुआ, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। कभी सोचा नहीं था कि स्टेज पे जाना था, पर OTT प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो वहीं से आया सब। एक एक जर्नी में ना जब राइटर बनना होता है या फिर आप पोएट बनना होता है, केवल किताब और कलम के अलावा क्या चाहिए होता है? जज्बात। अब वो कैसे आता है? वो इंसान जब इंसान को पढ़ने लग जाता है ना तब आते हैं। अब किसी इंसान को आप देख सकते हो, आप उससे घंटों बातें कर सकते हो, पर क्या आप उसकी बातें समझ सकते हो? फर्क है, छोटा सा है, बारीक सा, पर आप समझ जाते हो। ठीक है, अब वो वाली बात है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे कोई नया रंग बताओ, एक ऐसा रंग जो जिन भी रंगों को आप जानते हो उन रंगों से ना बनाओ। कोई ऐसा रंग, कोई रंग है ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते। पर अगर मैं बोलूं कि हाँ एक ऐसा रंग है ऐसा रंग, पर तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ उन रंगों को जानते हो जो आज तक तुमने देखे हैं, और ये रंग तो उनसे बना नहीं है। ब्यूटीफुल। तो वो जब आप लाइंस के बीच में पढ़ने लग जाते हो ना, तब आप लिखने लग जाते हो। बात तो वही कही थी मैंने कि नाउ यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। बात तो वही थी कि अब तू नहीं एक अदाकार है जो निभा रहा है किरदार अपना ही। तो वो जब आप उस चीज़ को पकड़ने लग जाता है, मेरा ये मानना नहीं है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी होता है, मेरा ये मानना है कि आपका दिल भरा होना चाहिए, चाहे वो मोहब्बत से भरा हो, चाहे आपका दिल टूटा है उस चीज़ से भरा हो, चाहे आपको लाइफ में लॉस हुआ हो उस चीज़ से भरा हो। आप लिख किसी भी चीज़ के बारे में सकते हैं, दिल का टूटना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ठीक है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस अ लॉट, एंड ऑब्वियसली व्हेन अ पर्सन लीव्स योर लाइफ वो एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ जाता है। ऑब्वियसली जब आप
मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है जब अपनी लाइफ किसी के सामने खोल के रख दो। तो जब आप किसी के सामने खोल के, मतलब एक ऐसे इंसान बने हुए उसके सामने सब खोल दिया और अचानक से वो इंसान ही आपकी जिंदगी से चला जाए, तो आपके पास एक्सप्रेस करने को कोई नहीं बचता। फिर आप एक सहारा ढूंढते हो दूसरा, तो वो कागज कलम बनता है, फिर आप उसको लिखना स्टार्ट करते हो, या फिर किसी के लिए पेंटिंग बनता है। हर तरीके का, एवरीबडी चूज देयर ओन यू नो प्रोसेस ऑफ वेंटिंग आउट, तब आप लिखते हो तो वो कैटलिस्ट बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जज्बात होने चाहिए इंसान, फिर वो लिख लेगा। और जज्बात और वो गहराई होनी चाहिए, वो ठहराव होना चाहिए इंसान के अंदर कि हाँ मैं इस इंसान को समझने में थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। एक एक थी एक कविता है जो मैं लिख रहा हूँ, वो मेरी किताब में आएगी तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, पर मैं उसका क्रक्स आपको बताऊंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो आई मेट दिस ऑटिस्टिक गर्ल, और उसके साथ ना मेरा जो स्टाफ था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऑटिस्टिक है। पर मैं गया था इस दौर से, मैं समझ गया था कि उससे जब मेरी मैनेजर जो है उससे बात कर रही है ना, तो वो और ट्रिगर हो रही है उस चीज़ से। तो मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि आप जो, मैं डील करूँगा। मैं गया उस लड़की से और मैं बात की, एंड शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन गर्ल, और बात करते करते उसने मेरे को बता दिया दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म इन दिस एंड दैट। फिर वो, और ये मैनिफेस्टेशन की भी बात करी थी, मेरा ऑफिस में लास्ट डे था और मैं मैनिफेस्ट कर रहा था किसी तरीके से, ये दिस इज सो रैंडम बट दिस इज सो ब्यूटीफुल कि वो लड़की किसी तरीके से आज ऑफिस में आ जाए। एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरे जाने के 15 मिनट बचे हुए थे और वो ऑफिस में आ गई। मैंने देखा भी नहीं था, शी जस्ट स्क्रीम्स हाय जय, और मैंने ऐसे देखा। और फिर मैं उस लड़की से मिला ऑफिस के बाहर, जब उससे मिला तो मैंने उसकी लाइफ की स्टोरी जानी। एंड बिफोर लीविंग शी हग्स मी एंड देन शी इज पैटिंग माई बैक वाइल शी इज हगिंग मी, ऐसे ढक 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 ढक, इट्स लाइक व्हाट आर यू डूइंग, शी इज लाइक दिस इज योर हार्ट बीट, ऐसा। और उस चीज़ ने मेरे को ऐसा टच किया ना कि आई हैव हग्ड अ मिलियन पीपल इन माय लाइफ बट इट इज अ पर्सन विद ऑटिज्म हु फेल्ट माय हार्ट बीट। और उस चीज़ के बारे में फिर मैंने लिखा, ये जो मैंने वहां से पकड़ा ना कि उसका वो मेरी दिल की धड़कन पकड़ लेना, उस चीज़ के बारे में लिखा। ये एक छोटी सी चीज़ को, एक बहुत बड़ी चीज़ को जो खास बनाता ना, वो एक बहुत छोटी सी बात निकल के आती है। उस पोइट्री का नाम रखूंगा मैं मिक्की, क्योंकि उस लड़की का नाम मिक्की था। वो जो दिल की धड़कन पकड़ने वाला जो एपिसोड था, मेरे को लगता है वो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं जो चीज़ों को खास बनाती हैं वो पकड़नी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, सोशल मीडिया है ना, कैसे सोशल मीडिया ने शेप किया है पोएट्री की जर्नी को? वो पोएट्री की जर्नी ऐसे शेप हुई कि मैं 2011 से कर रहा हूँ वॉइस ओवर, दुनिया के सामने अभी आए, मैं 2011 से कर रहा हूँ। और 2011 से मतलब मैं वायरल हुआ हूँ 2021 में, मतलब 10 साल का फासला। 10 साल में कितनी गलतियां करी होंगी। जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं उनके पास वो गलतियों की लेवरेज नहीं है, वो अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी वो गलतियां करेंगे, उसमें वक्त लगेगा। ऑब्वियसली वो वक्त कम लगेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास होते थे वो उनके पास ज्यादा हैं, तो मतलब मे बी शायद क्वार्टर ऑफ द टाइम लगे। पर मैं 11 साल की लेवरेज लेके बैठा हूँ, मेरे पास वो खजाना भरा पड़ा है 11 साल की गलतियों का जो नहीं करनी है, विच आई नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलती जो थी जिसने हर चीज़ को शेप किया वो ये थी कि जॉन एलिया साहब, अहमद फराज साहब, फैज़ अहमद फैज़, जितने भी जाने वाने लेजेंड्स जो हैं जिसे कहते हैं, वो जब मुशायरे में सुनाते थे वो दौर था। अब दौर बदल चुका है। मैं एक इवेंट में गया दिल्ली में और मेरे को शायरी सुना रहे थे, 15 मिनट से ज़्यादा कोई शायरी नहीं सुन पाया। एक तो मैं ये भी कहूँगा ठीक है वो शायरी अच्छी नहीं थी, आई एम जजिंग इट, बट वो शायरी अच्छी नहीं थी, पर 15 मिनट से बाद ऑडियंस जोन आउट हो गई थी। और ये वो मैं वो 11 साल में सीख चुका था, क्योंकि जब मैं सुनता था शायरी 50-50, 60-60 मिनट के मुशायरों की रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब पर, पर वो मैं एक बारी में नहीं सुन पाता था। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि इसको छोटा करो। और आज की ऑडियंस क्या सुनती है? बॉलीवुड सुनती है। मैं बोला पर बॉलीवुड के गानों में इमोशन होता है ना, मतलब अपडेट चाहिए अपना, अपडेट चाहिए। तो आज की डेट में उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, शायरी वही है, जज्बात वही है, पैकेजिंग थोड़ी सी अलग है, ये आज की ऑडियंस को पसंद आता है। पर अगर वही वाला कर रहा था तो शायद नहीं चलता, कभी नहीं चलता। तो वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एज पर टू ऑडियंस। आज मैं कर रहा हूँ, अब जनरेशन गैप कम हो गया, 5 साल बाद कोई और कर रहा होगा इस चीज़ को, लेकिन एक अलग तरीके से। वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फिर उस जनरेशन से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, वो तब कोई और किंग निकलेगा। ऐसी अगर आपको कोई अपना स्टेटमेंट, मतलब आज
क्लोजिंग करना होगा, ऐसी कौन सी लाइन है जो आप बोल के जाओगे यार ये तो जरूर तुमसे कहूंगा? तो बहुत सिंपल सी है, वो हमेशा से रही है कि मुझे दो इतनी उलझने कि जीतने में जान लगे, तो मुझे दो इतनी उलझने कि जीतने में जान लगे और फिर जब जीत लिखूं तो पूरा आसमान लगे। अब इसी पे मैं एक और चाहूंगा कि आप मॉम के लिए कुछ जरूर बोलो, मतलब कुछ ऐसा ऐसा कुछ स्टेटमेंट या फिर ऐसी कोई पोएट्री ऐसे जरूर बोलो, बिकॉज मैं ये तो समझ गया हूँ कि वुमेन हैव शेप्ड योर लाइफ। या दे हैव यू नो बाय ऑल मींस दे हैव। मॉम के लिए एक वो लिखा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने कहा कि मुझे याद है तो मुझे याद करती है, मुझे याद है तो मुझे याद करती है जब भी तू मुझसे फ़ोन पे बात करती है, मुझे याद है तो मुझे याद करती है जब भी तू मुझसे फ़ोन पे बात करती है। मेरे कपड़े तय हो गए होंगे क्योंकि मुझे याद आज भी तू मेरे कमरे में चुपके से जाया करती है। ओहो बहुत गहरा, ब्यूटीफुल। तो वो क्योंकि मम्मी जो है ना, आज भी आप कुछ भी कर लो, ऑस्ट्रेलिया में था मुझे पता है। और ये मुझे कैसे पता चला कि एक रैंडम वीडियो कॉल पे मेरे को कहती है देख ये टी शर्ट ना जब तू 4 साल का था तब पहनता, मैंने इसको आज तय करके रखा और मैं 3 साल से उस औरत से मिला नहीं, ये मेरी माँ के लिए। क्लोजिंग पे एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, कितना जरूरी है एक इंसान से कह देना कि मेरे दिल में क्या है? बहुत बहुत, नहीं तो वो काश और शायद रह जाता है और वो जिंदगी भर खाता है आपको। वो एक जो होता है ना कि जैसे आपको कोई सनसेट हो रहा है और आपको पसंद आ रहा है कि हाँ ये सनसेट बहुत खूबसूरत है, फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो, क्योंकि कल को किसी को बताओगे कि वो सनसेट बहुत खूबसूरत था तो दिखाने के लिए कुछ होगा। नहीं तो अगर वो फोटो नहीं ली तो आप सोचोगे यार मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ उस चीज़ को। और अगर आपके अंदर दिल में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे को कहता है कि अगर आपको किसी इंसान के लिए दिल में कुछ अच्छा है ना और आप किसी इंसान से, किसी इंसान की सच में कदर करते हैं, सच में आप मोहब्बत करते हैं, तो आपके दिल में उसको लेके कोई गलत ख्याल होगा ही नहीं पहली बात तो। और अगर कोई गलत ख्याल नहीं होगा तो मतलब एक ऐसा ख्याल होगा जो उसके बेटरमेंट के लिए होगा या फिर उसको खुशी देगा। तो अपने आप को क्यों रोकना चाहिए कि उसको खुशी ना मिले? अगर अपने आप को रोक रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं उसे खुशी नहीं दे रहा। आप करो, आप बात करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अगर मैं आपको एक बिखरा हुआ इंसान दूँ, बिखरा हुआ इंसान दूँ, आप क्या करोगे उसे समेट लोगे? मैं उसको तब तक नहीं समेट पाऊंगा जब तक वो सिमटना नहीं चाहेगा। अगर वो बिखरा हुआ है और वही नहीं सिमटना चाह रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जब मैं अपने दोस्त के पास गया था तो मैं बिखरा हुआ था बिल्कुल, वो 6 महीने तक मेरे साथ रहा पर उसने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि भाई तू आ मुझसे बात कर, ये कर वो कर, जब तक मैं उसके पास नहीं गया। जब मैं उसके पास गया मैंने उसको बोला कि भाई आई रियली वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, फिर उसने मेरे को उठाया, फिर उसने बोला चल यहाँ चलते हैं, चल वहाँ चलते हैं, मेरी लाइफ का रूटीन चेंज किया धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं वेट करूँगा, उसके आसपास ही रहूँगा पर मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा कि तू अपने आप को समेट। जब वो चाहेगा ना, क्योंकि आप ये है कि जब आप उदास होते या फिर आप किसी गंदे माहौल में होते या फिर आप किसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आप ऑब्वियसली एक वक्त के बाद ट्राई करोगे कि मैं यहाँ से निकलूँ। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, ऑब्वियसली वो नहीं लेने देना, पर निकलने का आप ट्राई करते हो। जब आप ट्राई करने लग जाओगे ना, वहाँ मैं आ जाऊँगा एज अ कैटलिस्ट कि आजा मैं हेल्प करता हूँ तेरी, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं जो तू फील कर रहा है ना, सबसे सिंपल सी बात कहनी है आपको उसको जाके कि जो तू फील कर रहा है ना तू सही फील कर रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तो फील करता है बस मेरे को बता दे क्या फील कर रहा है, कुछ गलत नहीं, सब सही। क्योंकि डिप्रेशन का टैबू इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि वो गलत है, नहीं है, सही फील कर रहा है। तो किस लिए स्टार्ट हुआ? किसी चीज़ से ट्रिगर हुआ होगा, कोई इमोशन ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगा, उस चीज़ से ट्रिगर हुए हो, तो भाई बुरा लगना भी तो जायज़ है, गलत नहीं है ना। तो उसको जाके सिर्फ ये बोलना सही फील कर रहा है, ब्यूटीफुल। अब बस ओल्ड स्कूल के सारे पिटारे में से, सारी के पिटारे में से एक को ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सके। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट एक ये था कि मेरी कहानी में लाहौर का बड़ा जिक्र होता है, तो लाहौर के लिए और जो मेरी मोहब्बत थी जिंदगी में वो भी लाहौर से थी, तो उसके लिए मैंने लिखा था एक के सोचा आज दुआ कर दूँ तेरा नाम पढ़ दूँ, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूँ, सियासतों में उलझ तो गई है मोहब्बत की हकीकत तो ख्वाब में ही सही, आधा हिंद मेरा तेरा आधा पाक पूरा कर दूँ। ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल, थैंक यू।